संभल लूट का खुलासा, माल व अवैध शस्त्र के साथ दो गिरफ्तार, दो फरार। संभल में शुक्रवार को पुलिस चौकी चौधरी सराय में एक प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने खुलासा किया। खुलासा के दौरान पुलिस टीम, सर्विलांस व स्वाट टीम की संयुक्त टीम द्वारा क्षेत्र में घटित हो रहे चोरी, नकाब, अनजाने की घटनाओं से संबंधित अपराधियों को धर पकड़ने के अभियान के तहत खबर की सूचना पर अभियुक्त सद्दाम पुत्र साबिर निवासी ग्राम अशरफपुर फैजगंज थाना डिडौली और विशाम्बर पुत्र बनारसी निवासी मोहल्ला मायापुरी थाना गजरौला को माल सहित गिरफ्तार किया गया, जबकि दो अन्य अभियुक्त अक्रम पुत्र भूरा निवासी ग्राम अशरफपुर फैजगंज थाना डिडौली व पिंकी निवासी मोहल्ला मायापुरी थाना गजरौला फरार हैं। चारों अभियुक्त शातिर अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध थाना स्तर पर व अन्य स्थानों पर दर्जन मामले दर्ज हैं। बताते चलें कि 31 जनवरी की रात्रि ग्राम मुकर्रबपुर में हाजी जहीर के घर में घुसकर चार लुटेरों ने लूटपाट को अंजाम दिया था। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 58,000 रुपए, पीली और सफेद धातु के आभूषण व अन्य सामान बरामद किया गया है। दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। फरार दो अभियुक्तों की तलाश जारी है। ये जनपद संभल के थाना नखासा क्षेत्र में 1 फरवरी को एक घर में घुस करके कुछ लोगों ने लूट किया था। उसमें टीमें बनाई गई थी और उसमें दो अपराधी पकड़े गए हैं, एक सद्दाम और विशंबर। इनसे गहन पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लोग पहले जेल में बंद थे, वहाँ पे इन दोनों की दोस्ती हो गई थी। वहाँ से बाहर निकल करके ये लोग अपने दो अन्य साथियों के साथ, पिंकी और अक्रम, इनके दो अन्य साथी थे, उनके साथ मिल करके इस क्षेत्र की रेकी की और यहाँ पे एक परिवार जो गाँव के बाहर रहता था और विदेश में उसके परिवार के लोग रहते थे, तो इनको जानकारी हुई कि वहाँ पे केवल महिलाएँ रहती हैं और उनके यहाँ कुछ विदेशी मुद्रा भी मिलेगी और ज्वेलरी भी मिलेगी। इसी चक्कर में इन लोगों ने 1 फरवरी को उनके घर में रेकी करके गांव के पीछे से आ करके छत पे चढ़ के घर में घुस करके उन्होंने उस घर में लूट कारित किया और ज्वेलरी, कंबल और तमाम सामान और पैसे भी वहां से लूट करके लेके चले गए। अब दो व्यक्ति इसमें से पकड़े गए हैं, विशंबर और सद्दाम। सद्दाम का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, इसमें 1600 केसेस हैं और विशंबर पे भी आपराधिक इतिहास रहा है। इन सभी को अभी पकड़ के जेल भेजा जा रहा है। इनके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है, जल्द से जल्द उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। इनके पास से 58,000 रुपए, ज्वेलरी भारी मात्रा में और तमंचे और इनके जो कार फोर्ड एक इनके जो यूज किया था इन लोगों ने वो भी मिली है और ये सारे सामान, कंबल और अन्य पीली धातु जो मिली है वो सारे सामान इकट्ठा करके और रियाल जो इसमें 25,000 रुपए का रियाल जो था वो भी मिला है जो लूट कर ले गए थे। अब वो सारे सामान बरामद हुए हैं, उसको तस्दीक भी कराया गया है। सभी लोग इसमें जितने इन